वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ कंपैरिजन वीडियो लेके आई हूँ, तो प्लीज आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखना। एंड या वीडियो पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना विद बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना कंपैरिजन। तो गाइज इन दोनों प्रोडक्ट में मैं रिव्यू करने वाली हूँ, आप लोग देख सकते हो, जो कि एक है गार्नियर का फेस वॉश एंड एक है हिमालय का फेस वॉश। देख सकते हो दोनों ही पैकेजिंग खाली है, क्योंकि मैंने दोनों ही अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो इसको तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है गार्नियर को, एंड इसको भी बहुत यूज़ किया, एक बड़ी ट्यूब भी इसकी मैंने यूज़ कर ली है। ठीक है, तो देख सकते हो इस तरह की दोनों की पैकेजिंग है। और ये है गाइज हिमालय का नीम फेस वॉश एंड ये है गार्नियर का लाइट कंप्लीट फेयरनेस फेस वॉश, देख सकते हो ये। और अगर मैं बात करूं कि मुझे दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेस्ट लगता है, तो मुझे गार्नियर का ये प्रोडक्ट ज्यादा बेस्ट लगता है। मैं रीजन अभी एक्सप्लेन कर देती हूं आप लोग से, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसको क्या सूट करता है, किसका क्या फेवरेट है, वो आपके ऊपर है। मैं जस्ट अपना फीडबैक दे रही हूँ कि मुझे कैसा लगा। अगर आपको दोनों में से क्या अच्छा लगता है आप नीचे फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे गाइज ये जो हिमालय फेस वॉश है ये स्पेशली फॉर मतलब कि यहाँ पे ऐसा मेंशन है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। एंड ये जो गार्नियर का फेस वॉश है इस पे ऐसा मेंशन है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, लेकिन जहाँ तक मैं इन दोनों फेस वॉशेस को समझ पाई हूँ ये ड्राई स्किन को ज़्यादा बेटर होगी, सुटेबल होगी मेरे ख्याल से। जबकि इसमें नीम है बट फिर भी क्योंकि ये उतनी अच्छे तरीके से ऑयल को रिमूव नहीं करता है, मेरे फेस पे तो नहीं किया, बट ये जो गार्नियर का है ये एक्सट्रीमली ऑयली स्किन वालों के लिए ही बेस्ट है। बिकॉज क्योंकि ऑयली स्किन वाले की जो स्किन है उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहने देता है फेस पे। एंड अगर फेयरनेस की बात करूँ तो A1 वर्क करता है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैंने इसका क्रीम भी एक लिया हुआ है, उसका भी रिव्यू जल्द ही आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। बाकी ये जो है गाइज ये क्या वर्क करता है, आपके अगर फेस पे पिंपल के दाग धब्बे हैं, जो पिंपल जा चुके हैं उनके दाग धब्बे आपके फेस पे रह चुके हैं, तो आप अगर इसको कंटिन्यू यूज करते हो तो आपके फेस से वो दाग धब्बे जाते हैं। मैंने फील किया है मेरे ऊपर काफी कम हुए हैं, बाकी सबकी मैं नहीं बता सकती। ओके, मैं जस्ट अपना फीडबैक दे रही हूँ आप लोग के साथ। एंड गाइज ये जो फेस वॉश है ये क्या करता है, इसका मेन वर्क है अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल है, यू नो, या फिर बहुत ज्यादा एक्ने है, तो उसको ये धीरे धीरे रिमूव करता है, धीरे धीरे करता है, एक बार में नहीं करता है। मेरे एक बार बहुत सारे पिंपल हुए थे तो मैंने एक ये बड़ा वाला ट्यूब एंड एक ये छोटा वाला ट्यूब एंड एक इसका बड़ा वाला ट्यूब दोनों ही यूज कर लिया हुआ है। कभी अपना यू नो फेस वॉश कलेक्शन दिखाऊंगी तो उसमें आप लोग को दिख जाएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद बेल आइकन। एंड यार देख सकते हो इस तरह की इन दोनों की पैकेजिंग है। और ये जो है गाइज हिमालय का नीम फेस वॉश, इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 50 ml एंड प्राइस की बात कर लूँ तो 65 rupees। एंड या गार्नियर का जो फेस वॉश है ये है, इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 50 ग्राम एंड प्राइस की बात करूँ तो 85 rupees है। ओके, अगर मैं बात करूँ कि ये लोग आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएंगे, आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे, बिकॉज काफी इजीली अवेलेबल होते हैं। ओके, तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। बाकी दोनों प्रोडक्ट के ही मैंने इंडिविजुअल में रिव्यू आप लोग के साथ शेयर कर दिया हुआ है, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वहां से चेकआउट भी कर सकते हो इंटरेस्टेड हो तो। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने पहले जैसे बताया ये जो नीम फेस वॉश है, अगर आपके बहुत ज्यादा फेस पे पिंपल है, एक्ने है, तो आपके लिए ये ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि वो उसको रिमूव करता है। अगर आप कंटिन्यू यूज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, एंड ये जो फेस वॉश है गाइस ये ज्यादातर क्या वर्क करता है, क्योंकि जितने भी आपके फेस पे दाग धब्बे होंगे पिंपल के उनको रिमूव करता है। बट मुझे ज्यादा ये पसंद आया क्योंकि ये मेरे फेस को डीपली क्लीन करता है बिल्कुल, बिकॉज गर्मियों में मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, चिपचिपी, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड। मैं ये तो नहीं बोलेंगी कि ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड को रिमूव करता है, क्योंकि स्क्रबिंग वाले पार्टिकल्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ स्किन को डीपली क्लीन करता है, बिल्कुल ऑयल को निकाल देता है बाहर, और लेमन के साथ आता है तो एक बहुत अच्छा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है आपके फेस पे। और अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करोगे तो आपके फेस पे से पिंपल के दाग धब्बे भी जाएंगे। जहां तक इस फेस वॉश की बात करूं मैं गाइस, तो ये मुझे विंटर के लिए ज्यादा बेस्ट लगते हैं, बिकॉज समर में मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, तो मैं इससे फेस वॉश करती हूँ तो मुझे उतना अच्छा फील नहीं होता है। ऐसा नहीं अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि गंदगी नहीं निकली होती, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल डीपली मेरी स्किन से ऑयल नहीं निकला, थोड़ा सा चिपचिपापन मुझे फील होता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी पसंद है, आप किसको यूज करना चाहते हो, आपको क्या बेस्ट लगता है, आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, ठीक है। बट मैं सजेस्ट भी करूंगी आप लोग को कि जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको जरूर ट्राई करें, और जिनकी बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन है वो इसी को ट्राई करें, या फिर जिनके फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल है, दाग धब्बे के निशान है, या जिनको
जिनको यू नो डलनेस रिमूव करना है, फेयरनेस लाना है अपने फेस पे, वो इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा फेयरनेस आपको मिलेगा। हाँ एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको ड्राइनेस फील हो सकता है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, फिर भी मुझे कई बार ऐसा लग जाता है कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई लग रही है। तो वो तो यू नो डीपली क्लीन करेगा फेस को, तो थोड़ा बहुत ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद आप मॉइस्चराइज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बाकी आपकी चॉइस है आपको क्या यूज करना है, आपकी क्या पसंद है। और मुझे वैसे दोनों ही पसंद है, मैं इसे ज्यादा बेस्ट बोल रही हूँ क्योंकि इसने काफी ज्यादा ब्राइट किया था मेरे फेस को। वैसे मैंने गाइज यही था मेरा आज का कंपैरिजन वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप किसी को भी चूज कर सकते हो, जस्ट ये मेरा सजेशन है। बाकी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा फेस वॉश ज्यादा बेटर लगता है और कौन सा आपने यूज किया है, आपने दोनों यूज किया है तो अपनी राय नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। एंड यार चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विद बेल आइकन, एंड नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नाउ बाय।